तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मेट था, दैट मींस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो साइन स्क्वायर का पहले डेरिवेटिव करेंगे, 2 sin y हो गया, एंड देन साइन अपने आप में एक फंक्शन है जो एक्स के प्लेस पे रिप्लेस हुआ होगा, फिर साइन का फंक्शन करेंगे कॉस हो गया, और एक्स के प्लेस पर वाई है तो वाई का डेरिवेटिव कर देंगे तो dy बाई dx मिल गया। नेक्स्ट क्या होगा, प्लस अब कॉस वाई का डेरिवेटिव करेंगे, कॉस एक्स वाई है तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो दिस विल बी टर्न आउट टू बी माइनस ऑफ एक्स वाई, माइनस ऑफ एक्स वाई। अब एक्स वाई का भी डेरिवेटिव कर लेंगे, एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, तो यू इंटू वी फॉर्म लगेगा, पहले एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव कर लिया और वाई को एज इट इज राइट डाउन कर लिया, वाई को छोड़ दिया, प्लस अब वाई का डेरिवेटिव करेंगे एक्स को लीव कर देते हैं, तो एक्स को लीव कर दिया, वाई का डेरिवेटिव डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इस साइड तो कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। ओके तो अब देखिए आप ये जानते हैं 2 sin x इन टू कॉस एक्स, इसको हम साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला, ये साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन ऑफ 2x, तो हमने साइन ऑफ 2x लिख दिया इसको, तो इस ये हो जाएगा साइन ऑफ 2y इंटू डीवाई बाई डी एक्स, और यहां से हम क्या करेंगे डीवाई बाई डी एक्स वाले टर्म को साइड कर लेंगे, तो देखिए इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो दिस विल बी वाई टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स वाई, और फिर यहां पे ये भी माइनस हो जाएगा एक्स टाइम्स ऑफ साइन एक्स वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। ओके अब जिस टर्म में डीवाई बाई डी एक्स नहीं है उसको उसका साइड चेंज कर देंगे और डीवाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ लेके कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 sin y को यहां से और माइनस माइनस ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ साइन एक्स वाई यहां से कॉमन ले लिया, और इसके साथ डीवाई बाई डी एक्स का टर्म अवेलेबल है, दिस इक्वल टू ये इस साइड चला आया साइड चेंज करके, तो वाई टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स वाई का टर्म मिलेगा, तो हम यहां से कह सकते हैं कि हमारा जो डीवाई बाई डी एक्स है, डीवाई बाई डी एक्स ये हमें क्या मिलेगा, वाई साइन ऑफ एक्स वाई अपॉन साइन ऑफ 2y, साइन ऑफ 2y माइनस एक्स टाइम्स ऑफ साइन एक्स वाई। सभी को क्लियर है ये? ओके रुचि, मैं 5.2 भी डिस्कस करूंगा, मेरे मुंह से सबसे पहले 5.3 निकल गया, सो मैंने पहले 5.3 डिस्कशन कर लिया। ओके सो रुचि डोंट वरी, उस पे भी आते हैं हम लोग। ये क्लियर है, इज दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन, या जिसने पूछा उनको क्लियर है? ओके सो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक किसी ने पूछा था, क्वेश्चन नंबर 9, 9 ही था ना, एक बार यस कर दीजिए अगर जिनका क्वेश्चन था। ओके 9 देख लेते हैं, 9 तो इजी है, वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 + x²। देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं इसका मतलब आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम है किसमें, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को ऑब्जर्व करने में, आपका ट्रिग्नोमेट्री इसमें सही होना चाहिए। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, मैं पहले बेसिक फॉर्मूले राइट डाउन कर देता हूं, देन आपको आगे के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होंगे। देखिए सबसे पहले साइन से हम लोग पास ऑन करते हैं, साइन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन ऑफ 2θ, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin θ इंटू कॉस थीटा, ये साइन और कॉस के मिक्स टर्म में होते हैं। ओके और अगर इसी को हम लिख सकते हैं 2 tan θ अपॉन 1 +
टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस वाले टर्म का जो ब्रैकेट में जो टर्म है उसका जो वो टर्म जो है उसका फेस कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, कुछ फेस ऐसा दिख रहा होगा। तो हमने क्या किया इसको कि इस x को tan थीटा मान लिया, x को क्या मान लिया tan ऑफ थीटा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि हमारा जो थीटा है वो मिल जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, therefore हमारा जो y मिला this will be sin inverse of 2 tan theta upon 1 plus tan square theta and this will be sin inverse। देखिए ये sin of 2 theta का फॉर्मूला होगा। देखिए हमने लिखा है 2 tan theta upon 1 plus tan square theta this equals to sin of 2 theta। हाँ x इक्वल टू tan x नहीं, एंगल दूसरा मानना पड़ेगा tan का, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी साइन ऑफ 2 थीटा, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट होता है, दिस विल बी 2 थीटा और 2 थीटा को हम लिख सकते हैं दिस इज 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। अब ये देखिए y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव जो हो जाएगा dy / dx ये होगा 2 टाइम्स ऑफ tan inverse x का फॉर्मूला क्या, डेरिवेटिव क्या होता है, दिस विल बी 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया आपका। या प्रत्युष सही आंसर है, जिसने क्वेश्चन पूछा था उनको समझ में आया, से यस और नो इन द चैट सेक्शन। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था ओके श्रेय गुड। और इसके बाद का कोई क्वेश्चन, इनके बाद का कोई क्वेश्चन पूछना है, 14 15 ओके मिली 14। y equals to sine inverse, they get 2x into square root of 1 minus x square। इसमें मिली आप x equals to sin theta रख सकती हैं या cos theta रख सकती हैं, okay? तो हमने रख दिया x equals to sin of theta। तो हम ऐसे कहेंगे कि हमारा theta जो होगा this can be written as sin inverse x। अब इस x की value को आप अपने y में पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा दिस y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको मिलेगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। और ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और चूंकि स्क्वायर रूट लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो दिस विल बी कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए मिली ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला का फेस किसके जैसा है, दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा एंड देखिए साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट होगा एंड दिस विल बी 2 ऑफ थीटा। y की वैल्यू आपको मिल गई तो 2 टाइम्स ऑफ थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमने एक्सप्रेस किया हुआ x के टर्म में भी, तो दिस कैन बी रिटन एज sin इनवर्स ऑफ x। देन dy / dx इसका आपको हो जाएगा dy / dx दिस इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ sin इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। गुड रुचि, अनिकेत वेल डन, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मिली आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है जिस तरह से मैंने सॉल्व किया है, जिन्होंने क्वेश्चन मिला था गुड गुड। इसके बाद 14 नंबर था आपका सर, बस एक बार 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल दीजिए ना।
इनका इसका डेरिवेटिव निकाल दें। नहीं बस 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर जो दिया हुआ है बस उसका डेरिवेटिव। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नो सर, इसी मतलब उसका हम दूसरे फॉर्मूले से सॉल्व किए हुए हैं तो उसमें डेरिवेटिव उसका अलग निकाला गया है लेकिन उसमें बार बार कुछ गलत हो जा रहा है, आंसर ही नहीं आ रहा। नहीं तो आप इसको इसी फॉर्मेट में बनाइए, ये क्वेश्चन आपको इसी सब्स्टिट्यूशन के लिए दिया हुआ था। ओके कोई दूसरा मेथड लगाएंगे साइन इनवर्स वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत लेंदी जाएगा ये। अगर आप इसमें ये फॉर्मूला लगा रही होंगी कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है और एक्स के प्लेस पे इतना सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट्स टू लेंदी वर्क, उतने पर नहीं जाएंगे हम लोग। ओके बट 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बस निकाल सकते हैं ना इनका, नहीं जो साइन इनवर्स के साथ जो थीटा दिया हुआ है उसका बस। नहीं बेटा इसका सिर्फ कैसे आप निकालोगे, पहले तो साइन इनवर्स का आपको डेरिवेटिव निकालना होगा ना। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर में आपको ये टर्म एक्स स्क्वायर के प्लेस पे रखना पड़ेगा एंड देन फिर इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा यूजिंग चेन रूल। जैसे देखिए अगर इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव आप करने जाते तो क्या आपसे गलती होती, आप इसका डेरिवेटिव करते कि डीवाई बाई डी एक्स दिस इक्वल्स टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर इतना टर्म आ गया टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करते एंड देन डेरिवेटिव ऑफ जो बॉक्स ब्रैकेट में जो टर्म है उसका करते। तो वैसे नहीं निकालेंगे ये, ठीक है। अनिकेत आपको आई थिंक इसमें प्रॉब्लम हो रहा है क्या, से यस और नो इन द चैट सेक्शन ओनली। ओके ओके बस आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाइए कि इसको हमने कुछ किया नहीं है। अगर आपको किसी को लग रहा होगा कि सर आपने तो मतलब ये थीटा के फॉर्म में बदल दिया तो हमने बस थीटा के फॉर्म में बदल के और इसका एक्चुअल एक्सप्रेशन फाइंड सिंपलीफाइड फॉर्म में इसको बस एक्सप्रेस किया आपके सामने। ओके एंड सिंपलीफाइड फॉर्म में लाने के बाद इसका डेरिवेटिव किया है, ये आप समझिए, ठीक है। तो किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए, इस तरह का वर्क हम लोग हमेशा करते रहेंगे इंटीग्रेशन में तो इसका बहुत यूज होगा। तो ये सिंपली या हमने बस इतना सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए इतना काम किया है। सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखने के बाद डेरिवेटिव बहुत आसान है इसका। ये आपने इनवर्स ट्रिगो में सीखा होगा कि आपको एक टॉपिक ही मिला हुआ उसमें कि राइट द फॉलोइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू सिंपलीफाइड फॉर्म। ओके तो हमने बस सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए इस तरह थीटा का सहारा लिया है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 तो हो गया, ये 15 आई थिंक किसी ने पूछा था 15। y इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि sec इनवर्स 1 बाई एक्स दिस कैन बी रिटन एज cos इनवर्स x, ये आपने पढ़ा था, से यस और नो, से यस और नो इन द चैट सेक्शन। गुड अनिकेत, सो इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब आप जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला देखते रह जाइए, cos 2 हम 2 थीटा के फॉर्म में लिख रहे हैं, cos 2 थीटा के चार फॉर्म आपको मैं दिखा रहा हूं। पहला जो बेसिक फॉर्मूला होता है ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके सिर्फ cos के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके
सिर्फ साइन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो इसको हम लिखते हैं 1-2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर टेन के फॉर्म में लिखते हैं तो वी कैन राइट इट एज 1-10 square theta अपॉन 1+10 square theta. ये चार फॉर्मेट होते हैं cos 2x के. ओके, तो आप यहां देख सकते हैं कि कौन सा टर्म, x स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव है. दैट मींस ये वाला फॉर्मूला आपको सिर्फ cos वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिए. तो x की वैल्यू अगर हम cos ऑफ थीटा लिखते हैं तो यहां से हम कह सकते हैं कि थीटा हमारा cos इनवर्स x हो जाएगा. cos इनवर्स x हो जाएगा तो वी कैन राइट इट एज y इक्वल्स टू cos inverse 2 cos square theta minus 1. 2 cos square theta minus 1 क्या होगा? This will be cos of 2 theta. तो cos inverse cos of 2 theta. Cos inverse और cos cancel हो गया. तो we can write it as 2 theta only. 2 theta लिखेंगे. अब 2 theta को express कर देते हैं. Then फिर x के form में तो हमारे पास जो dy by dx मिलेगा, या पहले y मिले, function y मिलेगा. We can write this y like 2 times of cos inverse of x. Theta को हमने cos inverse x के form में break कर. Good Pratyush. Therefore, हमारा जो dy by dx है, वो simply 2 times of, अब देखिए cos inverse x का जो derivative होता है, वो माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है. तो माइनस साइन पहले हमने लगा दिया. दिस विल बी वन टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर. ओके ओके मिली. गुड रितु. और भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में? 5.3 जैसा भी क्वेश्चन हो आपको पूछना चाहिए, आगे के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा. क्लियर है ये एक्सरसाइज? आगे बढ़ा जाए या पीछे बढ़ा जाए? पीछे मींस 5.2 हमारा अभी छूट गया है. आगे और लोग कमेंट कीजिए चैट सेक्शन में. क्लियर है? यानी 5.3 सभी को क्लियर है? राइट सी फॉर द क्लियर, और डी अगर डाउट है तो कोई पीछे चला जाए. ओके, सो 5.2 में चलते हैं हम लोग. फाइव पॉइंट टू हमारा कंपोजिट फंक्शन है. सो 5.2 से आप लोग पूछ सकते हैं. ओके प्रत्युष, अभी तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम करा रहा हूं, फिर अभी तो क्वेश्चन मेरे बाकी हैं. ओके, सो डोंट वरी. क्वेश्चन नंबर 9. और लोग, सिर्फ 9 में ही प्रॉब्लम है, उससे पहले 6. गुड, क्वेश्चन नंबर 6 पहले देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए इसको इरेज कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज वाई इक्वल्स टू, वाई दिया हुआ नहीं है, हम खुद से फंक्शन मान लेते हैं कि ये किसी ना किसी फंक्शन, कोई ना कोई तो फंक्शन होगा, या तो एफ एक्स का फंक्शन होगा, तो वाई इक्वल्स टू एफ एक्स लिखा जाता है. तो मैंने वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स टू दी पावर 5. ठीक है, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि कंपोजिशन तो है ही भाई. कंपोजिशन से पहले यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. तो प्रोडक्ट रूल और चेन रूल, क्योंकि कंपोजिशन भी है. यहाँ पे x के प्लेस पर x क्यूब है, और यहाँ पर पहले देखिए x टू द पावर n यानी x स्क्वायर का फंक्शन है, देन sin x का फंक्शन है, और x ऑलरेडी रिप्लेस हुआ x टू द पावर 5 से, तो वो तीन फंक्शन का कंपोजिशन है. ओके, तो देखिए बारी बारी से पहले प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं. देखिए अगर हम इसका डीवाई बाई डी एक्स ऑपरेट करेंगे तो हमें बोलना पड़ेगा कि डी ऑफ डी एक्स हम पूरे इस फंक्शन का करते हैं, कॉस ऑफ एक्स क्यूब
इनटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर फाइव, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर फाइव। अब हमने आपको बताया कि प्रोडक्ट रूल में अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो एक को लीव कर देते हैं, मान लीजिए हमने इसको लीव कर दिया, तो कॉस ऑफ एक्स क्यूब को लीव कर दिया और डेरिवेटिव करेंगे डी ऑफ डी एक्स किसका, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर फाइव का, और प्लस अब क्या करेंगे डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका डी ऑफ डी एक्स कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू इसको लीव कर देते हैं दूसरे वाले फंक्शन को साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर फाइव। इतना तक क्लियर है सभी को, मैंने प्रोडक्ट रूल यूज किया है, इज दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। शंकर आपने पूछा था, आप बता दीजिए। श्रेया शंकर, ओके गुड। सो यहां तक चेन रूल में, चेन रूल बोल रहे हैं सॉरी, प्रोडक्ट रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहां पे चेन रूल ऑपरेट करते हैं, कॉस ऑफ एक्स क्यूब। अब देखिए यहां पर पहले एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो वो मिलेगा हमें टू साइन एक्स हो जाएगा, तो एक्स के प्लेस पर एक्स टू द पावर फाइव। फिर हमने क्या किया, पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है टू एक्स होता है, तो एक्स के प्लेस पर ये आपका साइन ऑफ एक्स टू द पावर फाइव है तो वो लिख दिया। अब साइन फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का क्या हो जाता है कॉस हो जाता है, तो इन टू एक साथ ही लिख देते हैं यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स टू द पावर फाइव, और फिर एक्स के प्लेस पर एक्स टू द पावर फाइव का फंक्शन है तो एक्स टू द पावर फाइव का डेरिवेटिव कर देते हैं, तो एक्स टू द पावर फाइव का डेरिवेटिव जो होगा वो क्या हो जाएगा फाइव टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर फाइव माइनस वन, तो एक्स टू द पावर फोर हो जाएगा, तो दिस विल बी फाइव टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर फोर। ये डेरिवेटिव हुआ, ये जो फंक्शन इसके साथ था अंदर में, ठीक है। अब प्लस यहां पर कॉस ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो पहला फंक्शन कॉस का है तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, तो दिस विल बी माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब, एंड देन एक्स के प्लेस पर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा वही, तो ये होगा थ्री टाइम्स ऑफ x टू दी पावर थ्री माइनस वन, तो थ्री टाइम्स ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस विल बी थ्री टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, और उस वाले फंक्शन को एज इट इज राइट डाउन कर लेंगे, क्या फंक्शन है साइन स्क्वायर ऑफ x टू दी पावर फाइव है भाई, ठीक है, साइन स्क्वायर ऑफ x टू दी पावर फाइव, साइन स्क्वायर ऑफ x टू दी पावर फाइव। सो आपको डेरिवेटिव जो मिला डीवाई बाई डी एक्स, देयरफॉर डीवाई बाई डी एक्स आप लिख सकते हैं, ये क्या मिलेगा दिस इज टू इंटू फाइव टेन हो जाएगा, टेन टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर फोर इंटू ये क्या हो जाएगा, या पहले हम देखें इस टू का यूज इसके लिए करते हैं, यहाँ पे आप जानते हैं टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिखते हैं साइन ऑफ टू थीटा, तो इसको हम साइन ऑफ टू टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर फाइव लिख सकते हैं, तो एक्सप्रेशन छोटा हो जाएगा और सिंप्लीफाइड भी हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम साइन ऑफ टू टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर फाइव, ओके। अभी जो फॉर्मूला हमने लिखा था टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पर एक्स टू द पावर फाइव है, और यहां पर हमें मिल गया माइनस ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स टू द पावर फाइव, प्रत्युष प्रॉब्लम हो रही है क्या इसमें प्रत्युष, समझ में आया, क्लियर है श्रेया,
समझ में आया ये कि एक बार और बताना पड़ेगा? ओके प्रत्युष, श्रेया इज इट क्लियर? ओके क्लियर है। फिर उसके बाद किसी ने 10 नंबर क्वेश्चन किया हुआ है, 10 के पहले 9 भी शायद किसी ने पूछा है, 9 को देख लेते हैं। नाइन जो है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, इसको प्रूफ करके दिखाना है कि दिस फंक्शन या अनिकेत फर्स्ट प्रिंसिपल से बनेगा। जहां पे आपको प्रूफ का डिस्कशन आ जाए कि ये क्या होगा, कि प्रूफ करना होगा कि द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, तो उसके लिए आपको फर्स्ट प्रिंसिपल पे जाना होगा जहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना होगा, और उसका लिमिट फाइंड आउट करके आप ये दिखाएंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा होगा तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। सो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव से प्रोसीड करना होगा। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, आर एच डी एट एक्स इक्वल्स टू सपोज कीजिए ए, तो आप इसको लिमिट लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जी सॉरी एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। नहीं ग्राफ से नहीं बनाएंगे प्रत्युष, जब भी आप इसको बोर्ड में बनाएंगे, आप बोर्ड एग्जाम में, नॉट इस वाले बोर्ड की बात कर रहे हैं, वहां पे आप ग्राफ भी मेंशन करोगे, ग्राफ तो मेंशन करेंगे ही करेंगे, ओके, लेकिन ये भी एक रीजन देना होगा आपको। ओके एलएचडी क्या होता है एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ठीक है। नहीं ग्राफ उतना मेंशन करना जरूरी नहीं है, बट इसका फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहा है ये दिखाना नेसेसरी है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, ठीक है। तो ग्राफ किसी ने, लेकिन अगर आपको यह भी समझना होगा कि अगर कोई दो बंदे हैं और एक ने ग्राफ रिप्रेजेंट किया है और दूसरे ने ग्राफ नहीं रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, या आदित्य एनसीईआरटी में ग्राफ गिवन नहीं है इसका, तो आपको क्या करना होगा, तो उस बंदे को लोग ज्यादा प्रायोरिटी देंगे जिसने ग्राफ भी बनाया है और ये अप्रोच भी अपनाया है। ओके सो आप अपना बेटर इंपैक्ट बनाने के लिए आप ग्राफ भी मेंशन कर सकते हैं। ओके मिले आरिक, समझ में आया, क्योंकि वहां पे आपका कंपैरिजन होता है, टीचर्स आपका कंपैरिजन करते हैं दूसरे के साथ, क्योंकि वो सिर्फ आपका कॉपी नहीं चेक कर रहे होते हैं। सो आपको मार्क्स अच्छे लाने के लिए ये दोनों, या एग्जाम देते समय तो आपको तेज ही बनना पड़ेगा प्रत्युष, अदरवाइज उसको सामने वाले को लगना चाहिए कि आप तेज हैं, तभी तो आपको तेज के जैसा मार्क्स मिलेगा, समझ रहे हैं। सो देखिए हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, किस पे, वहां पे एक्स इक्वल्स टू ए दिया हुआ है और हमें डिफरेंसिबिलिटी चेक करनी है यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू वन पर, तो ए का जो रोल है वो वन प्ले कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल RHD फाइंड आउट करते हैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। देखिएगा कुछ लोग इसको फॉर्मूले को चेंज नहीं करते हैं, सेम फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन RHD में वो H tends to 0 plus लिखते हैं, यानी 0 से ज्यादा कोई नंबर ले लेते हैं, और LHD लिखते समय वो 0 माइनस लिखते हैं। अगर ये वाला अगर हम यहाँ पे ये लगा दें, सपोज कीजिए कि देखिए पहले फॉर्मूले में क्लियर हो जाइए, दो टाइप के फॉर्मूले लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, RHD को तो सेम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे RHD में
इस तरह से लिखते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, और एलएचडी में लोग ये लिखते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस दिस विल बी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। यहाँ पे फॉर्मूला सेम होता है लेकिन ये एच के टेंड्स करने का तरीका डिफरेंट होता है। एक में एच जीरो मतलब कोई स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होगा और दूसरे वाले में जीरो जो है स्मॉल नेगेटिव क्वांटिटी होगा। ओके तो ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, से यस और नो? ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, से यस और नो इन द चैट सेक्शन। गुड, अब हमें ये बताइए कि मैं किस फॉर्मूले का यूज करूं, पहले वाले का यूज करके इसको सॉल्व करूं या दूसरे वाले को? से ए फॉर द फर्स्ट एंड से बी फॉर द, ये पहला मीन्स ये ना फर्स्ट मैंने इसको नाम दिया है एंड सेकेंड इसको ए वाले को, यानी कि इसको करते हैं, यानी सभी लोग चाहते हैं कि फॉर्मूले को सेम रखें हम। वन 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 वन, ओके दैट्स कूल, तो हम वन का ही यूज करते हैं, इसी का यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो इसको लीव कर देते हैं। यहाँ पे एच को टेंस करने का तरीका नहीं बदल रहा था, ध्यान रहे इस वाले फॉर्मूले में एच आपका हमेशा स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी था, लेकिन इस वाले फॉर्मूले में एच के टेंस करने का तरीका चेंज होगा। एक में हम आरएचडी में लिखेंगे जीरो प्लस को जा रहा था, एलएचडी में लिखेंगे जीरो माइनस को जा रहा था। तो आरएचडी लेते हैं एट एक्स इक्वल्स टू वन, तो हमें मिलेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस दिस विल बी एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाई एच। This can be written as limit h tending to 0 plus f of 1 plus h kya hoga? This will be mod of 1 plus h minus 1 aur yahan pe minus this is f of 1 par value rakhenge to f1 par value 0 ho jayegi divided by h. Yahan pe plus 1 minus 1 cancel hoga and will get h tending to 0 प्लस दिस विल बी मॉड ऑफ h अपॉन h। ठीक है, अभी आप जानते हैं कि y इक्वल्स टू जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव साइन के साथ आपके सामने आता है, यानी कि ये जो बॉक्स के अंदर मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी है वो एज इट इज आता है, एज इट इज राइट डाउन हो जाता है इफ आपका जो मॉडुलस के फंक्शन का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, और अगर वो निगेटिव होता है x लेस देन एंड इक्वल x लेस देन 0 होता है तो ये माइनस साइन के साथ चला आता है भाई। वो क्लियर था? तो यहाँ पे देखिए हमारा h जो है 0 प्लस, 0 प्लस मींस कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हमारा ये फंक्शन जो है मॉडुलस फंक्शन वो एज इट इज बाहर चला आएगा। दैट मींस वी कैन राइट इट एज लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस दिस विल बी h अपॉन h and this is going to be cancelled out and the RHD is y equals to RHD हमें मिल गया 1। ये clear है सभी लोग को? ये clear है सभी लोगों का? आगे बढ़े LHD की तरफ, say yes or no? Good, so I think अगर एक दो लोग भी comment कर रहे हैं तो मान के चल रहे हैं कि सभी लोगों का clear है। okay, so अब LHD देखते हैं इसका। LHD आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, तो 30 सेकंड्स का टाइम देते हैं आपको, एक बार LHD इसी तरह से फाइंड आउट कीजिए और देखिए LHD क्या आ रहा है। प्रत्युष ने पहले आंसर कमेंट कर दिया, और लोग जिन्होंने ये ट्राई नहीं किया था घर पे या जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो ट्राई कीजिए। LHD का आंसर मिली गलत है आपका बेटा, एक बार देखिए। अनिकेत सही आंसर, और लोगों ने आदित्य सही आंसर है, प्रत्युष का भी सही आंसर है, मिली प्लीज चेक योर आंसर, रुचि
रितु अभिनव प्लीज एक बार ट्राई कीजिए, 30 सेकेंड आपके पास टाइम है। रूपाली रितु वेल डन, मिले वेल डन, और लोग भी कीजिए ट्राई। सो देखिए एक बार हम बना देते हैं उसको भी, बट एक बार मेरा पर्पस ये था कि आप खुद से भी ट्राई करें, ज्यादा बेटर होगा। LHD एट x इक्वल्स टू वन, LHD देख लेते हैं इसका। LHD हम लिखेंगे, देखिए हमारे एज के टेंड्स करने का तरीका क्या होगा, लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो माइनस, क्योंकि आप लोगों ने बोला था सर फॉर्मूले को चेंज नहीं किए, तो हमने फॉर्मूले को चेंज नहीं किया है, एज के टेंड्स करने का तरीका बदल दिया। दिस विल बी लिमिट 1 plus h minus f of 1 divided by h, तो हमारा क्या हुआ ये वैल्यू, लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ वन प्लस एच, यहां पे रख दीजिए एक्स के प्लेस पर, तो मॉड ऑफ वन प्लस एच माइनस वन एंड माइनस एफ ऑफ वन पर वैल्यू जीरो है एंड दिस डिवाइडेड बाय एच, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस, ये प्लस माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, मॉड ऑफ एच अपॉन एच। देखिए दोनों में मॉड ऑफ एच अपॉन एच ही आया, लेकिन यहां पर क्या है एच जीरो प्लस को जा रहा था, यानी कि कोई स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी था, तो मॉडुलस फंक्शन के अनुसार अकॉर्डिंग एक्स पॉजिटिव रहा जब एक्स पॉजिटिव था, और ये एक्स नेगेटिव आएगा जब एक्स लेस देन जीरो था, एक्स नेगेटिव था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एच जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो एक माइनस साइन के साथ ये एच आएगा आपके साथ, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस, दिस विल बी माइनस एच अपॉन एच मिल गया, और एच एच कैंसिल हो गया, लिमिट ऑपरेट कराएंगे तो हमें माइनस वन मिल जाएगा, माइनस वन मिल जाएगा। आया सभी को समझ में? शायद मिली ने ये क्वेश्चन पूछा था, मिली एम आई करेक्ट, अगर आपने पूछा था तो आपको समझ में आया ये, से यस और नो? नो मिली आपने, ओके ओके मिली, तो जिसने पूछा था आई थिंक, ओके रुचि, तो आपने पूछा तो समझ में आया ये, गुड। सो आगे बढ़ते हैं, शायद किसी ने नॉट डिफरेंस या, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल नहीं आई है, जबकि डिफरेंसिबिलिटी ये कहता है कि अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर इक्वल आ जाए और फाइनाइट आ जाए, इक्वल के साथ अगर दोनों वैल्यू इनफाइनाइट आएगी तो भी डिफरेंसिबल नहीं होता है, तो इक्वल आए लिमिट एंड साथ ही साथ फाइनाइट वैल्यू हो तो हम कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंसिबल होता है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फाइनाइट वैल्यूज तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों दे रहे हैं, बट दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ओके ये दोनों एक दूसरे के एक बराबर नहीं है, सो दिस गिवन फंक्शन fx इज नॉट डिफरेंसिबल, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, आगे किसी ने आई थिंक उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ है, am I correct? क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा मिली ने पूछा है ये, इरेज कर दे इसको, तो देखिए हम इसको भी यहां पे डिफरेंसिबिलिटी चेक करना है, जीरो से थ्री पर, यानी कि कह रहा है x इक्वल्स टू वन और x इक्वल्स टू टू पर, हम एक पॉइंट पर निकाल दे रहे हैं, दूसरे पॉइंट पर आप खुद से निकालिएगा मिली, यहाँ पे फंक्शन चेंज कर दे रहे हैं, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स है यानी इंटीजर पॉइंट्स है उस पे नॉन डिफरेंसिबल होता है, जितने भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एवरी इंटीजर पर नॉन डिफरेंसिबल होता है, तो देखिए तो ओपन इंटरवल 0 से 3 में
कितने इंटीजर आएंगे, तो पहला इंटीजर आएगा वन और दूसरा इंटीजर आएगा टू, तो इस वन और टू पर ये फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंसिबल होगा. ओके, तो हम सिर्फ वन पे निकाल देते हैं और टू पर आप ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए खुद से रखिएगा उसको, लेकिन यहीं पर करवा कर जाएंगे उसका भी. तो देखिए, हमने इसको इरेज नहीं किया कि फॉर्मूला तो सेम लगाना है भाई, तो पहला तो हमें वन पर ही निकालना है, तो हमें फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी. यहां पे कह सकते हैं लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो प्लस, यहां पे हम लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन पर वैल्यू वन हो जाएगी डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा. ओके, अब जानते हैं आप, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप फाइंड आउट कीजिए, तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, आंसर बताइए सभी लोग, चैट सेक्शन में आंसर कीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1 की वैल्यू क्या होगी. आदित्य गलत आंसर है, आदित्य, अनिकेत गुड, और लोग कमेंट कीजिए, रुचि गुड, मिली आप बताइए, ओके आदित्य गुड, तो मिली आपको आ रहा था तो पूछने की जरूरत नहीं थी. देखिए एज क्या है, एज जो है वो बहुत ही स्मॉल, छोटी मतलब बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, बहुत ही छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी है. दैट मींस इस वन में कोई छोटा सा पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो विल गेट ऑलवेज ग्रेटर देन बट लेस देन टू वैल्यू, ग्रेटर देन वन एंड लेस देन टू वैल्यू, यानी कि हमें ऐसी वैल्यू मिलेगी इसमें जो एक से थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन टू से छोटा होगा. तो हमें क्या मिलेगा, ये x का ऐसा इंटरवल मिला जिसमें हमारी वैल्यू एक से दो के बीच लाई कर रही होगी. मैंने मेंशन नहीं किया है, बस बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर. ओके, क्वेश्चन पेपर पे आपको कोई बोलने नहीं आता है इसलिए वहां पे मेंशन रहता है. ओके प्रत्युष सर, वही तो, वहां पे अगर आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाए या आपको बुक दे दिया जाए तो वहां पे कोई बताने नहीं आता है कि बेटा ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हर बंदे को बताते नहीं चलेगा, इसलिए वहां पे मेंशन किया हुआ रहेगा. मैं यहाँ पे पर्सनली आपके लिए आया हूँ तो मैं बता रहा हूँ सभी को कि दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट, मैंने नाम ही बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. ओके, सो देखिए इसकी जो वैल्यू होगी वो वन से थोड़ी सी छोटी होगी और टू से, सॉरी, वन से थोड़ी सी बड़ी होगी और टू से छोटी होगी. ओके, तो ये हमेशा आउटपुट आपको जो है वो वन देगा. तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो प्लस, ये आपको वन आउटपुट मिल गया, वन माइनस वन डिवाइडेड बाई एच, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, जीरो डिवाइडेड बाई एच यानी जीरो बाई इंफिनिटी, जीरो बाई इंफिनिटी, ये तो जीरो, सॉरी, जीरो बाई जीरो मिलेगा आपको, तो जीरो बाई जीरो में ये इंफिनिटी फॉर्मेट हो जाएगा. ओके, दैट मींस जो राइट हैंड डेरिवेटिव आया इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आ गई, इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आ गई. इतने में प्रॉब्लम है किसी को, से यस और नो, और लोग, अनिकेत, प्रत्युष, अदिति, रुचि, मिली, गुड, रूपाली, वेल डन. सो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको बोलना ही है कि प्रॉब्लम सर. ओके अनिकेत, आई विल सी इट अगेन. देखिए
कोई भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको लिखा जाता है तो आपको ये लिखा जाता है कि y इक्वल्स टू, देखिए इस तरह से डिफाइन करते हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कि भाई अगर y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसमें अगर इसका आउटपुट जीरो होता है जब हमारा ये x जो है वो जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा है लेकिन एक से छोटा है तो इसका आउटपुट जीरो आता है। फिर अगर हम बोलते हैं कि भाई अगर ये x की वैल्यू माइनस वन से बड़ी है और जीरो से छोटी है तो इसकी आउटपुट माइनस वन होती है। फिर अगर हम बोलते हैं कि x की वैल्यू एक के बराबर और एक से बड़ी है और टू से छोटी है तो इसकी आउटपुट वन मिलती है। तो इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, यही परिभाषा है, यही डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अगर आपको ये नहीं पता था तो अब से पता कर लीजिए, ठीक है? तो ये परिभाषा कहता है इसका, इसका डेफिनेशन। सर मेरा प्रॉब्लम ये था सर। हाँ बोलिए सर। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं था सर, प्रॉब्लम था कि सर वहाँ पे जब हम 1-1/h करेंगे तो सर 1-1 तो वो पहले है 0/, तो 0/h सर तो उसको डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकते हैं। नहीं नहीं, ये 0/0 आपकी, आपको लिमिट तो जब तक फंक्शन है आपको लिमिट तो निकालनी पड़ेगी ना, तो 0/0 फॉर्मेट आपको मिल गया, वो अनडिफाइंड होता है। ओके, अनडिफाइंड फॉर्मेट है ये। आ रहा है प्रत्युष, आपका मैसेज आ रहा है, ठीक है? आया समझ में अनिकेत? गुड। सो ये अनडिफाइंड फॉर्मेट आपको मिल गया इसलिए इन्फिनिटी हो गया। अब देखिए हम यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस है हमारा यहाँ पे, दिस इज बॉक्स ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन पर वैल्यू वन है डिवाइडेड बाई एच, ठीक है? इस तरह से हमारा h जीरो माइनस को जा रहा था। अब देखिए यहाँ पे बॉक्स वन प्लस h क्या था, यहाँ पर बॉक्स वन प्लस h जो है इस वाले में राइट हैंड डेरिवेटिव में h जो है पॉजिटिव क्वांटिटी था तो वन प्लस h हमारा एक से बड़ा नंबर मिल गया था, लेकिन यहाँ पर h जो है निगेटिव क्वांटिटी है तो हमारा वन से छोटे h की वैल्यू, जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए कि माइनस 0.0001 ही रख दिया हमने, सपोज कीजिए तो 1 में इतना ऐड करेंगे तो हमें एक से छोटी वैल्यू मिलेगी, एक से छोटी वैल्यू मिलेगी तो हम इस इंटरवल में, यहाँ पे जो वैल्यू लिखे थे माइनस 1 से 0 वाले इंटरवल में चले जाते और इसकी वैल्यू हमें माइनस ऑफ 1 मिल जाती। माइनस 1 मिल जाता वन से छोटी यानी जीरो से बड़ी, जीरो मिल जाएगा ना, सॉरी ये इस इंटरवल में गया, लिमिट लिमिट बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जीरो होती है वेन एवर एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी या बराबर लेकिन एक से छोटी मिले, एक से छोटी मिले तो यहां पर या अनिकेत जीरो होगा, तो यहां पर क्या होगा जीरो इस इंटरवल में, क्योंकि एक से छोटा हो रहा है, एक से छोटा हो रहा है तो यानी कि जीरो से वन वाले इंटरवल में लाई करेगा और जीरो से वन वाले इंटरवल में लाई करेगा तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, तो जीरो माइनस वन अपॉन एच और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी इंफिनिटी हो जाएगी। तो ग्रेटर डिफरेंसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो और साथ ही साथ फाइनाइट हो। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको देखने को इक्वल मिल गया लेकिन ये तो फाइनाइट है ही नहीं, ठीक है? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये LHD और RHD इक्वल नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं लेकिन ये इन्फिनिटी एक तरह से अनडिफाइंड के लिए लिखा जा रहा है, आप ब्रैकेट में अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं LHD एंड RHD इक्वल नहीं है, सो ये x इक्वल्स टू
वन पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में आया सभी को? एक बार और रिपीट करना पड़ेगा या सबको समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर है? नो सर। ओके, आ गया मींस आदित्य। और लोग कमेंट कीजिए। रुचि, आपने शायद क्वेश्चन पूछा था, मिली, गुड। रूपाली, रितु, आदित्य, समझ आ गया, गुड। तो इस अब दूसरा वाला पॉइंट आप लोग खुद से निकालिए। तो एक मिनट का टाइम देते हैं आप। दूसरा वाला जो x इक्वल्स टू टू पर में आपको यही काम करना है। तो जब टू पर लेंगे तो एक बार टू प्लस h होगा तो टू से ज्यादा रखेंगे, तो टू से ज्यादा रखेंगे टू आएगा, टू माइनस ये एफ टू पर वैल्यू भी टू आएगा, टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, सेम वैल्यू मिलेगा, सिर्फ वन के प्लेस पर टू, वन को टू से रिप्लेस कर देंगे, एकदम एज इट इज रहेगा। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट फाइव। ओके, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखिए इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है, पहले निगेटिव से एक लिखते हैं, माइनस वन वेन एवर हमारा x जो है वो माइनस वन से इक्वल या उसके बराबर और जीरो से छोटा हो। ये जीरो हो जाता है वेन एवर x जो है हमारा जीरो के बराबर और एक से छोटा हो। ये वन हो जाएगा जब x हमारा एक के बराबर या एक से बड़ा लेकिन टू से छोटा हो। ये टू हो जाएगा वेन एवर x जो है हमारा टू के बराबर और थ्री से छोटा हो। ये फोर हो जाएगा वेन एवर x जो है हमारा थ्री के बराबर, थ्री होगा ना, ये थ्री होगा व्हेनेवर थ्री के इक्वल या उसके बराबर हो एंड लेस देन फोर हो। इस तरीके से हम एक ऐसा भी कर सकते हैं, एक्स जो है माइनस टू के से बड़ा या बराबर लेकिन लेस देन माइनस वन हो तो इसकी वैल्यू माइनस टू हो जाती है। तो इस तरह का कंडीशन होता है ये। अनिकेत नहीं लिख देंगे, सिमिलरली क्या लिखना है, एग्जाम में किसी अगर देगा तो याद। इत्य ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब एन इंटीजर लेस देन एन इक्वल टू एक्स होता है, गुड। क्यों होता है? देखिए सपोज कीजिए कि आपको एक्स ये दिया हुआ है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होता है एन इंटीजर लेस देन एन इक्वल टू एक्स। तो अगर ये इंटीजर मान लीजिए वन है तो इसकी वैल्यू तो वन आ जाती है, तो इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट यहां हो जाता है। लेकिन लेस देन कब आता है? तो इसके पास का इंटीजर कौन होगा जो इस एक्स से छोटा होगा, तो दैट शुड बी आल्सो वन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1 की वैल्यू भी वन, सॉरी 1.2 की वैल्यू भी वन और ग्रेटेस्ट इंटीजर वन की वैल्यू भी वन। आदित्य समझ में आ गया? नहीं आदित्य वो आपसे नहीं पूछता है, प्रत्युष वो आपसे नहीं पूछेगा। ओके, इरेज कर देते हैं इसको। नेक्स्ट 5.4 में चलते हैं, 5.4 का प्रॉब्लम देखते हैं। 5.4 के प्रॉब्लम लिखना स्टार्ट कर दीजिए आपको, जिसको जहां डाउट है। अभी आई थिंक हमारी क्लासेज है, 15 मिनट्स बची हुई हैं, देख लेते हैं उसको भी। पहले ये कर लेते हैं कि 5.2 और 5.3 में किसी को कोई डाउट है? राइट डी फॉर डाउट एंड सी फॉर क्लियर प्लीज। सभी लोग कमेंट कीजिए, गुड। और लोग सिर्फ सी टाइप करना है, मैं इसलिए ज्यादा मैसेज भी करने को नहीं, सी सी गुड। और लोग
एक भी डाउट के साथ नहीं जाएंगे, पूरा चैप्टर क्लियर रहेगा तो आगे बढ़ने मजा आएगा। और लोग, रूपाली, रुचि, आदित्य, रितु, ओके, तो आई थिंक सभी लोग को यहां तक तो क्लियर है। तो 5.4 देखते हैं। 5.4 में जो भी डाउट्स हो आप लिखना शुरू कर दीजिए, 5.4 के डाउट्स लिखना शुरू कर दीजिए। अब मैं ऑडिबल, वॉइस आ रही है क्या आपको? वॉइस आ रही है तो ओके। क्वेश्चन नंबर 4, 7 और लोग 4, 7 बस यही दो प्रॉब्लम है। 10 रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं। 10 सो और लोग को क्लियर है। आई थिंक किसी ने क्वेश्चन नंबर 6 कमेंट किया था उनका, ये व्हाट्सएप पे शायद किसी ने क्वेश्चन नंबर 6 मैसेज किया था उनका। क्लियर है क्या अब? रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। ओके क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 4, 7 और 10 है हमारे पास। 4 क्या है भाई? साइन ऑफ टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स है। तो देखिए यहां पे भी कंपोजिशन है, तो पहले साइन का है, टेन इनवर्स का है और फिर ई टू द पावर माइनस एक्स का है। तो इसको कर लीजिए, क्या करेंगे, चेन रूल का यूज करेंगे। आपका जो डीवाई बाई डी एक्स है वो देखिए बारी बारी से, पहले साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, तो कॉस करके जो भी है एज इट इज लिख देंगे, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। सिर्फ पहले फंक्शन पे चले जाइए और देखिए कि वहां पर क्या था। यहाँ पे साइन है, साइन का क्या होता है भाई, कॉस होता है, कॉस लिख दिया, जो एंगल में था वो एंगल लिख दिया। अब दूसरी बात, एंगल में एक्स के अलावा कुछ भी है उसके डिफरेंशिएशन में चले जाइए। तो एंगल में भाई एक्स के अलावा हमारे पास ये वाला पार्ट है, तो यहां पर चले आए टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, यहां पर चले आए। फिर एक बार इसको ऐसे ही लिख देंगे, कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, आई थिंक माइनस एक्स ही है ना, या माइनस एक्स ही है। और यहाँ पर अब टेन इनवर्स दिख रहा है, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? नहीं, प्रोडक्ट रूल नहीं होगा निकेत, यहाँ पे तो कंपोजिशन है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है निकेत। चेन ये प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट वाले फंक्शन में लगते हैं, यहाँ पे तो कंपोजिशन है, तो ऑब्वियसली चेन रूल हम लोग यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। तो अब देखिए, अब हमें दूसरी बार टेन इनवर्स दिख रहा है, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है, तो टेन इनवर्स का 1/1 + x² होता है, तो बस वही लिख देंगे 1/1 + x² x के प्लेस पर जो है वो उसको लिखेंगे, तो e टू द पावर माइनस एक्स है, माइनस एक्स, तो उसका होल स्क्वायर कर दिया। अब टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो गया, अब एक्स के प्लेस पर जो है उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, डी ऑफ डी एक्स e टू द पावर माइनस एक्स का, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा, दिस इज कॉस ऑफ टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, ये मिलेगा 1/1 + e^2 - 2x हो जाएगा, और ये -1 × e^2 - x। तो कोई अगर लिखना चाहे तो इसको -(-x)·cos(tan−e^2−x)/1+e^2−2x इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर है, गुड। और लोग, आई थिंक जिसने क्वेश्चन पूछा था उनका क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी और ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा है मींस उनका क्लियर था। ओके,
तो सिर्फ वहां का भी कमेंट हमें मिल जाएगा जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो इट्स वेल, ओके गुड, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम, थोड़ा सा तेज होगा क्लास तो आप बताइएगा, फ्लो फ्लो में कभी कभी आगे निकलने लगते हैं, ठीक है, तो अगर ऐसा लगे तो थोड़ा सा बोलिएगा कि सर थोड़ा सा स्लो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज e टू द पावर माइनस e टू द पावर x का क्या होता है, यहां पे हमने डायरेक्ट लिख दिया उतना नहीं, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, अब x के प्लेस पर माइनस x था तो हमने माइनस 1 उसका लिख दिया है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होगा, लेकिन e टू द पावर माइनस x रहेगा तो e टू द पावर माइनस x लिख के फिर माइनस x का डेरिवेटिव कर देंगे, दिस विल बी माइनस 1, तो हमने इसलिए यहाँ पे माइनस 1 लिखा हुआ है, ओके आदित्य समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर स्क्वायर रूट x, ये फंक्शन है आपके पास, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि अगर आप फास्ट जाए तो हैंड्स रेज कर सकते हैं, एक चैट में लिख सकते हैं, ओके प्रत्युष, ये यहां पे भी हम लोग को ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है गुड। सो देखिए यहां पर ये क्या है, ये इसको अगर हम इस फंक्शन को लिखना चाहेंगे तो e टू द पावर स्क्वायर रूट एक्स टू द होल पावर 1/x, यहां पे भी ये स्क्वायर रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर हाफ है, तो बाद में हम लोग कर लेंगे e टू द पावर x टाइप का है, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये x टू द पावर हाफ का फंक्शन है, x टू द पावर हाफ का फंक्शन, इसमें तीन फंक्शन का कंपोजिशन है, पहले है x टू द पावर हाफ, फिर उसके बाद है e टू द पावर x, और फिर उसके बाद है स्क्वायर रूट x का, ठीक है, तो यहां पर हम x टू द पावर n का डेरिवेटिव सबसे पहले करेंगे, y है तो इसका dy / dx जो है, देखिए मल्टीप्लीकेशन में नहीं है ये, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल वगैरह की बात नहीं करेंगे, तो पहले x टू द पावर n वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव होता है n टाइम्स ऑफ x टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे n के प्लेस पर हाफ है, तो या एक बार अगर लिखना चाहें इसको तो d ऑफ dx, इसको हम बोलेंगे e टू द पावर स्क्वायर रूट x टू द होल पावर 1/2, ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे 1/2 e टू द पावर स्क्वायर रूट x टू द पावर 1/2 माइनस 1। अब देखिए हमने x टू द पावर n का डेरिवेटिव कर दिया, लेकिन अब x के प्लेस पर ये वाला टर्म है, x के प्लेस पर क्या है, ये वाला टर्म है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे d ऑफ dx ऑफ e टू द पावर स्क्वायर रूट x, स्क्वायर रूट x, तो यहां पे हमें ये वाला पार्ट मिल गया 1/2 e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ ये माइनस 1/2 हो जाएगा पावर, और यहां पे देखिए e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, तो इसको हम e टू द पावर x लिख देंगे, x के प्लेस पर ऑब्वियसली स्क्वायर रूट x है, एंड नाउ x के प्लेस पर क्या है, स्क्वायर रूट x है, तो उसका भी डेरिवेटिव आगे प्रोसीड करेंगे d ऑफ dx ऑफ स्क्वायर रूट एक्स का, स्क्वायर रूट एक्स का मतलब एक्स टू द पावर 1/2, तो अब देखिए ये पावर निगेटिव है, नीचे जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो वी कैन राइट इट एज 1/2 इनटू 1/ दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, अब देखिए ओवरऑल स्क्वायर रूट लगा ही दे रहे हैं जो पहले से ऑब्वियस दिया हुआ था, दिख नहीं रहा है आई थिंक सही से, ये था ठीक है, और फिर यहाँ पे e टू द पावर रूट अंडर एक्स हो ही गया, और यहाँ पे फिर रूट अंडर एक्स का 1/2, देखिए यहाँ पे निकाल के दिखा दे, e टू द रूट अंडर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1 होगा, दैट मीन्स 1/2
एक्स का पावर माइनस वन बाई टू और ये पावर पॉजिटिव करने के लिए स्क्वायर रूट एक्स नीचे चला जाएगा, तो स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा वन बाई टू टाइम्स ऑफ रूट अंडर एक्स, वन बाई टू तो वन बाई टू रूट अंडर एक्स, ठीक है। यही आपका फाइनल, तो फाइनल आंसर को अच्छे से लिख देते हैं एक बार, तो आप इसका डीवाई बाई डी एक्स बोलेंगे, डीवाई बाई डी एक्स जो होगा दिस कैन बी रिटन एज ई टू द पावर स्क्वायर रूट एक्स फोर टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ई टू द पावर स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, आया समझ में? ओके, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था उनका क्लियर है? आई थिंक रुचि ने ही पूछा था, प्रत्युष और लोग, प्रत्युष ने तो आंसर भी सही कर दिया है, वाओ अनिकेत गुड, और लोग कमेंट कीजिए, सभी लोग का क्लियर है? ओके, सो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो मान के चलते हैं कि मैं लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूं, तो लिख लीजिए एक बार, देन तब तक हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इजी है, आपको फिर से ट्राई करना चाहिए। कॉस का फंक्शन है, उसके अंदर लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का फंक्शन है, लगा लीजिए चार्ज में, वहीं पर चले जाइए। यहां मिली क्वेश्चन नंबर 10 भी है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं एक बार। y इक्वल्स टू cos ऑफ log x प्लस e टू द पावर x है, आई थिंक या यही है सर, हो गया सॉल्व, ये भी हो गया, यस सर। बनाते ही देखिए ऐसा कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ठीक है, कि बन जाएगा, तो आई थिंक नहीं, तो देखिए इसमें क्या क्या है, सबसे पहला cos का फंक्शन है, कॉस का डेरिवेटिव कर देंगे, माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस साइन एंगल के प्लेस पर एक्स के प्लेस पर जो है वही रख देंगे। अब एक्स के प्लेस पर ये दो फंक्शन है, लॉग एक्स का वन बाई एक्स और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू ये हो जाएगा वन बाई एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, दिस विल बी द आंसर। ओके, सो ये भी पार्ट आपका फिनिश हो गया। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपने बनाया था, उसका प्रॉब्लम देख सकते हैं क्या? सो आई थिंक टाइम हो गया, आप कुछ देर देख सकते हैं आप लोग, से यस और नो, गुड, बोरियत फील नहीं हो रही होगी आई थिंक, आप तो आज कुछ लेक्चर भी हम नहीं दिए, हम तो भाई आपका क्वेश्चन था उसी को सॉल्व किए हैं, तो लेक्चर वाला पार्ट है नहीं कि नींद वगैरह आना है, ठीक है, आप लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, इसके क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए। मैथ में नींद नहीं आता, अच्छी बात है, ये तो 5.4 तक क्लियर है, गुड गुड प्रत्युष। सो इसमें देखिए आप लोग बोलिए किस किस प्रॉब्लम में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 5.5 एक्सरसाइज, सॉरी हमने क्वेश्चन नंबर आई थिंक बोल दिया, एक्सरसाइज 5.5 ओके आई थिंक नहीं नहीं आपको ऐसा भी नहीं सोचना है, रिमूव कर दिया है तो क्या हुआ, आगे के अभी कोई दूसरे एग्जाम्स के लिए नहीं बताया हुआ है, सिर्फ हमारा फोकस सीबीएसई तो होना ही चाहिए, सिर्फ नंबर लाना हमारा मोटो नहीं होना चाहिए, उसके बाद आगे हमें कहीं
ग्रेजुएशन में या कहीं पर अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस भी तो चाहिए, ठीक है? सर इसके बाद वाला सारा एक्सरसाइज रिमूव कर दिया है? नहीं, पूरा नहीं रिमूव हुआ है। ये कंपोजिट जो था ना, जो हमने 5.2 डिस्कस किया है, वो रिमूव है, कंपोजिट फंक्शन। लेकिन आपने देखा कि बिना कंपोजिशन के तो काम ही नहीं चल पाएगा। कंपोजिट फंक्शन जो अभी हमने बताया है, या उसके पहले 5.2 भी कंपोजिट फंक्शन पे ही था, तो वो नहीं है, वो हटाया गया था। नहीं, वो हटा दिया गया है 5.2। देखिए, ऐसा पार्ट हटाया गया है जिसके हटने से कोई कोर सिलेबस में चेंज नहीं होने जा रहा है, ठीक है? और बिना कंपोजिट फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन किया, आप सोचे कि आगे बढ़ेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपके साथ एक गेम किया गया है, आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है? तो जो ऐसा पार्ट लगेगा जो बिल्कुल हटा दिया गया है, जिसको नहीं पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो सिर्फ हम उसी पार्ट को छोड़ेंगे। बाकी कंपोजिट फंक्शन का पार्ट छोड़ना मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए मुश्किल होता। सो उसको मैंने नहीं लीव किया, मैंने आपको उसको बकायदे उसके क्वेश्चंस के साथ भी आगे आपके साथ बढ़ा मैं, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं, वैसे ही पार्ट को हम लोग लीव करेंगे, जिसको पढ़ने से ना आपको प्रॉब्लम, जिसको लीव करने से ना आपको प्रॉब्लम हो और ना हमको प्रॉब्लम हो। तो 5.5 में हाँ छोड़ सकते हैं अगर वो लीव हुआ है तो। मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ वो पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा जो लीव हुआ है। तो 5.5 क्या बोल रहे हैं, चैट में लिख सकते हैं, आगे डिस्कस कर सकते हैं 5.5 का क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, उतना क्लियर नहीं, तो मैं क्लियर भी कर दूंगा उस पीडीएफ को, डिस्कस भी कर दूंगा आपके साथ। अब इस एक्सरसाइज का हमको आइडिया नहीं है कि ये रिमूव हुआ है कि नहीं। कंपोजिट फंक्शन लिखा हुआ था कि कंपोजिट फंक्शन रिमूव हुआ है। ओके अदिति, तो देखिए ये चेन रूल ऑपरेट करना है, जिस तरह से आपको बताया गया है। पहले आप दो दो फंक्शन मानते जाइए, जिन्होंने तीन फंक्शन का पूछा है, डी ऑफ डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू। तो यू इंटू वी को कोई दूसरा फंक्शन मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जेड हो गया। तो पहले प्रोडक्ट रूल से डी ऑफ डी एक्स ऑफ जेड इंटू डब्ल्यू को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये देखिए, इसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं, dz बाई डी एक्स, डब्ल्यू को लीव कर दिया, प्लस z को लीव कर देंगे, dw बाई डी एक्स हो गया। अब z के प्लेस पर जो भी है, w को एज इट इज राइट डाउन कर लेंगे, d ऑफ डी एक्स, z को हमने u इंटू वी माना, इंटू z को अब यहां पे लिख सकते हैं u इंटू वी और dw अपॉन डी एक्स, ठीक है? अब फिर यहाँ पे u इंटू वी लगा देंगे। अनिकेत, समझ में आया? से यस और नो? आई थिंक अनिकेत ने पूछा था, गुड। अब यहाँ पे u इंटू वी लगा देंगे, और लॉगरिथम में y इक्वल्स टू u इंटू वी इंटू डब्ल्यू है, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो लॉग ऑफ y इक्वल्स टू लॉग ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है? और फिर यहां से क्या करेंगे, ये log of u into v into w क्या हो जाएगा, तो log of u plus log of v plus log of w, ऐसा ही ऐसा करेंगे प्रत्युष। लेकिन देखिए, यहां से ये क्वेश्चन की डिमांड क्यों की गई है, क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है ये वाला प्रूफ करने को, क्योंकि इसका आंसर भी आपको दे दिया गया है। आपने प्रोडक्ट रूल सिर्फ u into v फॉर्म का पढ़ा होगा, सिर्फ दो फंक्शन का पढ़ा होगा, लेकिन दो फंक्शन का यूज तीन फंक्शन के साथ कैसे करेंगे, ये उसका टेस्ट करना चाहता है। तो आप इस तीन फंक्शन को दो फंक्शन में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे,
बाई अ सब्स्टिट्यूशन, दो फंक्शन u into v को हमने z मान लिया और इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया और फिर यहाँ पर u into v लिखेंगे, फिर यहाँ पर एक बार दो फंक्शन के लिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ओके तो ये आपसे इसका टेस्ट करना चाहता था। ओके प्रत्युष समझ में आया? ओके तो अब यहाँ पे log of u plus log of v plus log of w हो जाएगा और x के फॉर्म में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो दिस विल बी 1 by y dy by dx और इधर तो 1 by u into du by dx plus 1 by v dv by dx plus 1 by w dw by dx और फिर y से उधर मल्टीप्लाई करेंगे। देख सकते हैं करना पड़ेगा अनिकेत। अनिकेत नो देख लीजिए, ये log of y हो गया, ये हो जाएगा log of u plus log of v plus log of w। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो दिस विल बी 1 by y dy by dx, ये मिलेगा 1 by u du by dx प्लस ये 1 by v dv by dx 1 by w dw by dx। अब यहां से y इधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और y के प्लेस पर u into v into w रखेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, v into w मिल जाएगा एज इट इज रहेगा, ये v कैंसिल हो जाएगा, u into w हो जाएगा और यहां पर 1 by w कैंसिल, ये w कैंसिल होगा, u into v हो जाएगा। ओके तो और भी इसके क्वेश्चंस होंगे लेकिन आई थिंक नेक्स्ट क्लास में ही देखना चाहिए क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि उनका फोन डिस्चार्ज होने को है। दुनिया का सर, दुनिया का सबसे हार्ड क्वेश्चन कौन सा है डिफरेंशिएशन का? ये कैसा क्वेश्चन है, दुनिया का हार्ड क्वेश्चन कैसे हो सकता है? कुछ दुनिया का हार्ड क्वेश्चन कैसे हो सकता है, टफेस्ट क्वेश्चन। तो अभी हमको बता दे कि आप मैथमेटिक्स में कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं। ओके अभी तो आप फंडामेंटल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं कि आगे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को कैसे किए जाते हैं। ठीक है तो अब क्लास 12 तक जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो मैथमेटिक्स का पार्ट है ही नहीं, तो इसके टफेस्ट पार्ट को छोड़ लीजिए। ठीक है आपको याद होगा कि आप फिजिक्स पढ़ने जाते हो तो आपको सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया जाता है, तो उसी तरह हायर मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए अभी आप सिर्फ टूल्स पढ़ रहे हैं, कोई आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। ओके इज इट क्लियर प्रत्युष, जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था दुनिया का टफ क्वेश्चन या जो भी? टाइम मशीन, उसमें बहुत सारी चीजें होती है टाइम मशीन वाले मैथमेटिक्स वगैरह में, क्रिप्टोग्राफी वगैरह होता है, वो तो अभी आपको पल्ले भी नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ओके सो आज का लेक्चर यहीं पे। सना आई थिंक आपने बहुत लेट से सेशन ज्वाइन किया, सना Am I audible? Okay. Next class में देखिएगा, पीछे मत रहिएगा, YouTube पे लेक्चर देख लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, बट ये सब डेली नहीं होना चाहिए, टाइम पे सेशन ज्वाइन कीजिए आप लोग। ओके जिनको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को पॉज कर करके देखते रहेंगे, फिर भी अगर कुछ लग रहा होगा कि दिक्कत है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी उसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके सो ऐसा नहीं कि आज छूट गया तो हमेशा के लिए छूट गया, ऐसा नहीं है। और ये इसलिए कहा जा रहा है कि आप इसको पढ़ते मतलब टाइम से सेशन ज्वाइन करेंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नहीं आएंगे तो बहुत तेजी से सिलेबस खत्म होगा। नहीं इंजीनियरिंग में सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़ोगे, मैथ्स नहीं पढ़ोगे। ओके मैथ्स पढ़ने के लिए आपको एमएससी पीएचडी और पीएचडी करना पड़ेगा, मैथ्स पढ़ने के लिए सिर्फ। लेकिन आप इंजीनियरिंग में सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़ते हो तो इंजीनियर के इंजीनियरिंग कोर्स के लिए जितने मैथमेटिक्स चाहिए होते हैं सिर्फ आप उतना पढ़ते हो। ओके सो मीटिंग को एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय बाय एवरीवन।